हेलो दोस्तों, मैं एजे आपका स्वागत करता हूँ एविटर ऑलवेज रॉक्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। आज हम जानेंगे प्रीएम्बल के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल संविधान के इंट्रोडक्शन के रूप में कार्य करती है। 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इसमें संशोधन किया गया था, जिसमें समाजवादी यानी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर और अखंडता यानी इंटीग्रिटी शब्द को जोड़ा गया। यह परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है कि किस अमेंडमेंट के द्वारा इन शब्दों को जोड़ा गया है। संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल का निर्माण भारत को सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने के लिए किया गया था। यह भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करती है और लोगों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा देती है। इसमें 26 नवंबर 1949 का उल्लेख है, जो वह तारीख है जिस दिन भारत ने इसे अडॉप्ट किया था, लेकिन इसे पूरे देश में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी वह दिन है जिस दिन भारत में 1930 में पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। इसीलिए उन यादों को ताज़ा रखने के लिए यह किया गया। 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया है। आइए कुछ शब्दों का मीनिंग समझें। सॉवरेन मतलब भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त संपन्न राष्ट्र है। सेकुलर मतलब भारत में सभी धर्मों को राज्य से समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है। डेमोक्रेटिक मतलब संविधान की स्थापना एक सरकार के रूप में होती है, जिसे चुनाव के माध्यम से लोगों द्वारा निर्वाचित होकर अधिकार प्राप्त होते हैं। रिपब्लिक का मतलब राज्य का प्रमुख डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। भारत में राष्ट्रपति को इनडायरेक्ट रूप से चुना जाता है, जिसका अर्थ संसद और राज्य विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से है। इक्वालिटी का मतलब समाज के किसी वर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार या भेदभाव को समाप्त करने से है। क्या प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है? जी हाँ, केशवनंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल संविधान का एक हिस्सा है और इसे आर्टिकल 368 के तहत अमेंड किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं, यूके को छोड़कर हर डेमोक्रेटिक कंट्री का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें 465 आर्टिकल्स जो 25 भागों में हैं, 12 शेड्यूल और 122 अमेंडमेंट्स हैं। तो आज का सफ़र दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, और अगले सफ़र में जल्द मिलने की कामना करते हैं। अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं हमारे अगले वीडियोस के लिए। अगर Facebook पे देख रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।